नमस्कार, गुट्टे की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टे की पोटली। आज मैं आपके लिए कॉलर स्वेटर सेट 6 से 9 महीने तक के बच्चे का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 में हमने कॉलर बनाया था, पार्ट 2 में हमने स्वेटर बनाई थी और पार्ट 3 में हमने कैप बनाई थी। पार्ट 4 में हम शूज़ बनाएंगे, तो आइए हम शूज़ को बनाना शुरू करते हैं। बूट बनाने के लिए हम 12 नंबर की 2 सिलाई लेंगे, जिसमें एक सिलाई गले वाली है जिसकी दोनों साइड मुंह है। उसके ऊपर हम 35 स्टिचेस डालेंगे, इकहरे धागे से ही फंदे बनाएंगे। अपनी उंगली पर धागा लपेटते हुए फिर से अपनी उंगली पर धागा लपेटकर इसी तरह से फंदे बनाते हुए हम पहले 35 यानी 35 स्टिचेस बनाएंगे। तो पहले मैं 35 स्टिचेस बना लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। पैंतीस फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पर एक हल्की सी गांठ लगा देंगे और जो हमारी ये वाली सिलाई है इसको हम आगे करके या पीछे करके जिधर से हमें आसानी लगे उधर से हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर 11 नंबर की सिलाई से बनाएंगे, जैसे हमने पूरा स्वेटर बनाया था, कैप बनाई थी, बिल्कुल उसी तरह से 11 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, जिसमें हमारे पास यहाँ पर एक सरी बनकर आएगी। तो पहले हम 2 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बना लेते हैं। एक सिलाई बनाने के बाद हम अपनी सिलाई में ये चोटी पे डालने वाले 4 मार्कर लगाएंगे, पहले 2 फंदों के बाद, फिर 14 फंदों के बाद, फिर 3 फंदों के बाद, फिर 14 फंदों के बाद और आखिर में 2 फंदे हमको सीधे ही बनाने हैं। तो पहले हम इस तरह से मार्कर लगा लेते हैं। एक मार्कर मैं आपके सामने लगा कर दिखा देती हूँ। 2 फंदे हमने सीधे बनाए, एक हमने मार्कर लगा दिया। इसके बाद अब हम 14 फंदे सीधे बनाएंगे, गिनकर बनाएंगे, फिर एक मार्कर लगाएंगे, फिर 3 फंदे, फिर एक मार्कर लगाएंगे, फिर 14 फंदों के बाद एक मार्कर, फिर 2 फंदों के बाद एक मार्कर। तो पहले इस सिलाई में मैं 4 मार्कर लगा लेती हूँ। 2 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाने के बाद अब हम पहली बार फंदा बढ़ाएंगे। जब पहली बार फंदा बढ़ाएंगे तो एक फंदा बनाने के बाद फंदा बढ़ाएंगे। ये हमने एक फंदा बना लिया, अब इस फंदे के ऊपर हम 2 फंदे बनाएंगे। एक फंदा हम आगे से ले लेंगे, एक फंदा हम पीछे वाले यहाँ से ले लेंगे। मार्कर अपने सिलाई पर ले लेंगे और आगे वाले मार्कर तक हम बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे। तो पहले हम ये बना लेते हैं। आगे वाले मार्कर तक हमने बना लिया, यहाँ से हम जो मार्कर के साथ पहला फंदा है उसके हम 2 फंदे बनाएंगे। एक फंदा सीधा, फिर से मार्कर के साथ जो फंदा है उसके 2 फंदे बनाएंगे और आगे वाले मार्कर तक यानी 14 फंदे बिल्कुल सीधे सीधे बनाएंगे। तो पहले हम 14 फंदे बना लेते हैं। आगे वाले मार्कर तक हमने बना लिया,
मार्कर के साथ के फंदे के फिर से हम दो फंदे बना लेंगे और उधर भी हमने एक फंदा बनाने के बाद दूसरा फंदा बनाया था, यहां भी फंदा बढ़ाने के बाद हमारे पास एक फंदा आ गया। रॉन्ग साइड हमको बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है, बस मार्कर अपनी सिलाई पर लेते जाएंगे। ये देखिए मैं एक बार शुरू कर देती हूँ। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और सारी सिलाई हम सीधी सीधी बनाएंगे। तो पहले मैं ये सिलाई बना लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक बार हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, जब हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे तो हमारे पास 35 स्टिचेस थे, 35 स्टिचेस थे, चार फंदे बढ़ाए हैं, अब हमारे पास 39 स्टिचेस हैं अपनी सिलाई पर। अब हम दूसरी बार फंदा बढ़ाएंगे, जब हम दूसरी बार फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ से दो फंदे सीधे बना देंगे, एक दो, इस फंदे के हम दो फंदे बना लेंगे। आगे वाले मार्कर तक यानी 14 फंदे हम बिल्कुल सीधे सीधे बनाएंगे, तो पहले 14 फंदे बना लेते हैं। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और बिल्कुल मार्कर के साथ जो पहला फंदा होगा उसके हम दो फंदे बना लेंगे, तीन फंदे सेंटर के, एक दो तीन, मार्कर के साथ वाले फंदे के दो फंदे बनाएंगे, 14 फंदे बिल्कुल सिंपल सीधे बनाएंगे। तो 14 फंदे बनाएंगे तो पहले मैं 14 फंदे बना लेती हूँ। आगे तक मार्कर तक हमने बना लिया, फिर से मार्कर के साथ वाले फंदे के दो फंदे बना दिए और दो फंदे फिर से, इधर भी दो फंदे बनाने के बाद फंदा बढ़ाया था, इधर भी फंदा बढ़ाने के बाद दो फंदे हैं। और रॉन्ग साइड सारी हम सीधी सीधी बनाएंगे, तो पहले हम रॉन्ग साइड बना लेते हैं। दूसरी बार फंदा बढ़ाने के बाद हमारे पास यहाँ पर 43 स्टिचेस हैं, 39 + 4 = 43 स्टिचेस, तो पहले हम रॉन्ग साइड बना लेते हैं। अब हम तीसरी बार फंदा बढ़ाएंगे, जब तीसरी बार फंदा बढ़ाएंगे तो तीन फंदे सीधे पहले बना लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे बनाने के बाद फिर से हम दो फंदे बनाएंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और 14 फंदे हम सीधे बनाएंगे, तो पहले हम ये 14 फंदे बना लेते हैं। 14 फंदे बनाने के बाद मार्कर अपनी सिलाई पर ले लिया और मार्कर के साथ वाले फंदे के हम दो फंदे बना देंगे, एक आगे से एक पीछे से, पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, मार्कर के साथ वाले फंदे के फिर से हम दो फंदे बनाएंगे। इस मार्कर से लेकर आगे वाले मार्कर तक 14 फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, तो पहले मैं ये बना लेती हूँ। आगे वाला मार्कर भी हमने अपनी सिलाई पर ले लिया और मार्कर के साथ वाले फंदे के हम दो फंदे बना लेंगे, तीन फंदे सीधे आ गए। तीसरी बार फंदे बढ़ाने पर हमारे पास सिलाई में 47 स्टिचेस हैं। अब हम रॉन्ग साइड सारी सीधी सीधी बनाएंगे, तो पहले ये सिलाई बना लेते हैं। अब हम चौथी और आखिरी बार फंदा बढ़ाएंगे, जब चौथी बार फंदा बढ़ाएंगे तो चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, पहले फंदे के दो फंदे बना लेंगे, एक आगे से एक पीछे से। अब हमें मार्कर की कोई जरूरत नहीं है, मार्कर हम निकालते चले जाएंगे। आगे वाले मार्कर तक
बिल्कुल फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, 14 फंदे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, मार्कर निकाल देंगे। पहले फंदे के फिर से दो फंदे सीधे, एक और दो, 7 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस फंदे के फिर से दो फंदे बनाएंगे, मार्कर हम निकाल देंगे। 14 फंदे फिर से सीधे, तो पहले 14 फंदे बना लेते हैं। आखिरी मार्कर भी हमने निकाल दिया और पहले फंदे के ही दो फंदे बनाने हैं और 4 फंदे सीधे। चौथी और आखिरी बार फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास सिलाई में 51 स्टिचेस हैं। आप काउंट कर लीजिए, फंदा एक भी कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम रॉन्ग साइड सारी सीधी सीधी बना लेते हैं। 4 बार हमने फंदे बढ़ा लिए और एक बार हमने सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाई थी जिसमें हमने कोई फंदे नहीं बढ़ाए थे। यहाँ पर हमारे पास 5 सरी बन गई हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 सरी बनाने के बाद हमने जिस धागे से अपने बूट में, स्वेटर में और कैप में इस्तेमाल किया था, उसी धागे को हम इसके ऊपर 5 सिलाई बनाएंगे। पहले एक सिलाई सीधी, पहले मैं ये सिलाई बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। एक सिलाई सीधी बनाने के बाद हम दूसरी सिलाई उल्टे उल्टे बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हमको 5 सिलाई बनानी है, 5 रोज बनाएंगे। एक में सिर्फ सीधा, एक सिलाई उल्टी, फिर एक सीधी, एक उल्टी और एक सीधी। तो पहले मैं 5 रो बना लूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 5 सिलाई बनाने के बाद हमारी सिलाई का मुंह रॉन्ग साइड है। अब हम यहाँ से कैसे बनाएंगे? और यहाँ से हम पहला धागा जो हमारा ओपोजिट कलर का है, दोनों फंदों का एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। पहले हम एक फंदा उतार लेंगे, फिर हम इसके ऊपर उंगली रखकर नीचे से आगे वाला पहला ओपोजिट कलर का धागा ले लेंगे। सिलाई पर दोनों फंदे चढ़ाने के बाद दोनों फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। फिर से पहले सिलाई पर फंदा ले लेंगे और यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा ओपोजिट कलर का धागा है पहले हम इस सिलाई पर चढ़ाकर फंदा बना लेंगे, फिर दोनों फंदों का हम एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपने सारी सिलाई बनाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई बना लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सारी सिलाई हमने इसी तरह से कंप्लीट कर ली है। इस धागे को हम काट देंगे। अब हम
राइट साइड आ गए हैं। राइट साइड हम पहले एक सिलाई, देखिए एक सार बनकर आई है। अब हम एक सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, इस पर हम कोई डिजाइन नहीं डालेंगे। तो पहले हम एक सिलाई बना लेते हैं। एक सिलाई फिर से बनाने के बाद हम रॉन्ग साइड आ गए हैं। अब हम यहाँ से 16 सिलाई डिज़ाइन की बनाएंगे। पहले एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर किया, एक फंदा उतारा और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। एक धागा अपनी ओर करके एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा इसी फंदे के ऊपर धागा लपेटते हुए एक फंदा सीधा। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम एक सिलाई कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी बनाएंगे, फिर हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम दूसरी सिलाई बनाएंगे, रॉन्ग साइड बनाएंगे। इन 16 सिलाइयों में पहला फंदा हम हमेशा बिना बुने उतार लेंगे और जिस फंदे के ऊपर हमने धागा लपेटा हुआ है उसी फंदे को हमको सीधा बुनना है। धागा अपनी ओर करके जो फंदा सिंगल है उसके ऊपर हम धागा लपेटेंगे और उल्टा उतार लेंगे। पहले उल्टा उतार लिया, ये धागा लपेटा और एक फंदा सीधा बना लिया, फिर से धागा अपनी ओर किया, सिंगल फंदा उल्टा उतार लिया और जिसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है उसको हम सीधा बना लेंगे। इसको हम हल्का सा टाइट हाथ रखकर बनाएंगे। बस इसी बात का ध्यान रखना है, बनाना बहुत आसान है। इसी तरह से बनाते हुए पहले मैं ये सिलाई बना लूं, फिर आपको एक बार दूसरी ओर की सिलाई भी बता दूंगी। फिर उसके ऊपर हमको 16 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनानी है, इसी तरह के डिजाइन की बनानी है। तो पहले हम ये सिलाई बना लें। दो सिलाई हमने डाल ली, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, ये फंदा सिंगल है, इसके ऊपर हमको धागा लपेटना है और दो धागों को हम सीधा बना लेंगे। सीधी और उल्टी ओर से हमेशा सिंगल फंदे को उतार लेंगे और धागा जिस फंदे पर लपेटा है उसको हम सीधा बना लेंगे। और इसी तरह से बनाते हुए हम 16 सिलाई कंप्लीट करेंगे, 16 रोज बनाएंगे, जिसमें से 2 रोज हमने बना ली हैं, थर्ड हम बना रहे हैं। तो पहले हम 16 रोज कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाते हैं। 16 रोज डिजाइन वाली हमने बना ली हैं, जिसमें हमारे पास 8 सिलाई बनकर आई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वीं सिलाई हमारी सिलाई के ऊपर है। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी बनाएंगे तो हम अपनी सीधी साइड पहुंच जाएंगे। जब हम रॉन्ग साइड सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे तो इस ओर भी 21 फंदों के बाद और इस ओर भी 21 फंदों के बाद हम पहले की तरह ये 2 मार्कर लगाएंगे, जिसमें हमारे पास सेंटर में 9 फंदे आ जाएंगे। तो पहले हम 2 मार्कर लगा लें और ये सिलाई सारी कंप्लीट कर लें, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम सीधी साइड आ गए हैं। अब हम यहाँ से पहले एक सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी बनाएंगे, फिर हम सेंटर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम ये सिलाई बना लेते हैं। सारी सिलाई हमको सीधी सीधी बनानी है, तो पहले हम ये सिलाई बना लेते हैं। मार्कर तक हमने बना लिया, मार्कर का काम हमारा यहीं तक था, फंदे काउंट करने तक का।
यहाँ से हम 9 फंदे आगे वाले मार्कर तक 9 फंदे मल्टी कलर से बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर मैंने आपको फंदे काउंट नहीं करके बताए, 21 फंदे हैं, 21 स्टिचेस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का डबल 20 और 1, 21। इधर भी हमारे पास 21 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का डबल 20 और 1, 21। 21 और 21, 21 और 21, 42 प्लस 9, 51। 51 स्टिचेस ही थे हमारे पास। मार्कर निकाल देंगे, एक सिलाई हम बिल्कुल सीधी बनाएंगे। मल्टी कलर से या जो हम कलर बी लगाएंगे उससे हम डिज़ाइन में 5 सरी बनाएंगे, और क्रीम कलर से कलर ए से हम 4 लाइनें बनाएंगे, 4 सरी बनाएंगे। एक सरी हमने मल्टी कलर की बना ली है। अब हम यहाँ से वाइट कलर से सरी बनाएंगे। पहले हम इस ओर का एक फंदा अपनी सिलाई पर ले लेंगे। और इन दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। अब हमारे पास इस ओर 20 फंदे रह गए। पहले 7 फंदे बना लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आखिरी फंदे का और इस फंदे का, दोनों फंदों का एक फंदा बना लेंगे। हर बार सीधी ओर से जब हम कलर चेंज करेंगे, दोनों ओर से एक एक फंदा लेकर फंदा कम करते चले जाएंगे। ये रो बिल्कुल सीधी है, इस पर हमको कोई फंदा कम नहीं करना, रॉन्ग साइड पर कोई फंदा कम नहीं करना। सिर्फ 9 फंदे सेम कलर से सीधे सीधे बनाएंगे। साइड चेंज कर लेंगे। अब हम दूसरे रंग से फिर से फंदे सीधे बनाएंगे। पहले एक फंदा उतार लेंगे और ये फंदा फिर से हम बिल्कुल सीधा बना लेंगे। इस फंदे को इसके साथ फिर से एक फंदा बना लेंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम मल्टी कलर की 5 सिलाई 5 रोज बनाएंगे और क्रीम कलर की 4 रोज बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। 4 बार मल्टी कलर से और 4 बार वाइट कलर से हमने बना लिया है, जिससे हमारे पास दोनों ओर 14 फंदे बचकर आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 का डबल 14, और इस ओर भी हमारे पास 14 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक मल्टी को कलर से हम एक रो और बनाएंगे, जिसमें हम फंदे को बंद नहीं करेंगे। बस इसी तरह से हम 2 रोज बनाएंगे, जिसमें मल्टी कलर की एक सरी बन जाएगी। ना हम इधर से फंदा कम करेंगे, ना हम इधर से फंदा कम करेंगे। तो पहले मैं एक रो और बना लेती हूँ, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। मल्टी कलर से हमने 5 रो बना ली है। 1, 2, 3, 4, 5। इस धागे को हम काट देंगे और सिलाई से पहले सुई में धागा डाल के सारे फंदे हम अंदर कर देंगे। अब हम यहाँ पर, अब हम वाइट धागे से पहले इस ओर की सारी सिलाई बनाएंगे
और फिर वापसी रॉन्ग साइड लेकर आएंगे। जब हमने शुरुआत करी थी तब पहले हम इधर लेके आए थे, अब हम पहले आगे लेके जाएंगे फिर वापसी लेकर आएंगे। तो पहले हम ये सिलाई दो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अब हम इसमें एक सिलाई सी थी और एक उल्टी बनाने के बाद अब हम यहाँ पर जाली डालेंगे। डोरी डालने के लिए जाली कैसे डालेंगे, पहले हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, और ध्यान रखना है इस ओर से भी तीन फंदे सीधे हैं और इस ओर से भी हमारे पास तीन फंदे आने चाहिए, और वो भी आखिर में मोरी जाली होनी चाहिए। दो फंदों का एक फंदा, दो फंदे सीधे, एक दो। फिर से धागा अपनी ओर करेंगे, दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, दो फंदे सीधे, एक दो। धागा अपनी ओर किया, दो फंदों का एक फंदा, यहाँ पर दो फंदे सीधे, एक दो। फिर से धागा अपनी ओर करके दो फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। यहाँ पर अब हम तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन। तीन फंदे बनाने के बाद अब हम रिवर्स चलेंगे, उल्टा चलेंगे, पहले दो फंदे बंद करेंगे फिर जाली डालेंगे। दो फंदे बंद किए, धागा अपनी ओर किया, दो फंदे सीधे बनाए, एक दो। इस ओर हम पहले जाली डालते थे फिर दो फंदों का एक करते थे, इस ओर हम पहले दो फंदों का एक फंदा करेंगे फिर जाली डालेंगे। यहाँ पर फिर से दो फंदों का एक फंदा, धागा अपनी ओर करके दो फंदे सीधे, ये जाली डाल दी, एक दो। दो फंदों का एक फंदा, धागा अपनी ओर किया, दो फंदे सीधे, एक दो। दो फंदों का एक फंदा, ये जब हम जाली डालेंगे तो हमारे पास इस ओर भी तीन फंदे सीधे हो गए, एक दो तीन। तीन फंदे एक जाली, दो फंदों का एक फंदा, इस ओर भी तीन फंदे एक जाली, दो फंदों का एक फंदा। बिल्कुल दोनों ओर से बराबर लाते हुए हम जाली बनाई है हमने। इसके ऊपर हम पांच सिलाई बनाएंगे, एक उल्टी एक सीधी, फिर एक उल्टी एक सीधी एक उल्टी। तो पहले हम पांच सिलाई बना लेते हैं फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। जाली के ऊपर हमने पांच सिलाई डाल ली है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा और भी लंबा कर सकते हैं, चार सिलाई, छह सिलाई, आठ सिलाई, और फिर उसके ऊपर हम छह सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाएंगे, जिससे हमारे यहाँ पर तीन सरी बनकर आएंगी। तो पहले हम छह सिलाई बना लेते हैं फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। छह सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाने के बाद अब हम इसको बंद करेंगे। पहले हम दो फंदे सीधे बनाएंगे और पीछे वाला फंदा पलट लेंगे, एक फंदा बनाते चले जाएंगे, पीछे वाला फंदा हम पलटते चले जाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पहले हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। सारे फंदे हमने बंद कर लिए हैं, अब हम यहां पर सिलाई का धागा छोड़कर यहां पर इसको काट देंगे। और सिलाई करने से पहले जितने हमारे पास यहां पर धागे हैं हम पहले इनको अंदर करेंगे फिर इसकी सिलाई करेंगे। सारे फंदे बंद करने के बाद सारे धागे हमने अंदर कर दिए हैं, ये एक धागा अगर सिलाई में जरूरत पड़ी तो काम आएगा। पहले हम सीधी साइड अपनी जोड़कर
यहाँ से पहले हम इसको पक्का करेंगे। फिर हम इसको खोलकर और सीधे साइड की तरफ सुई निकाल लेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ हमने सीधी साइड आमने सामने रख ली है और एक बार हम इधर के दो धागे लेंगे और एक बार हम इस ओर के दो धागे लेंगे सिलाई करने के लिए। फिर से इस ओर के दो धागे लेंगे अब इस ओर के दो धागे लेंगे। इसी तरह से बारी बारी से हम दो धागे लेते हुए हम अपनी पूरी के पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। जुराब की हमने पूरी सिलाई कर ली है, अब हम इसके ऊपर क्रोशिया करेंगे। क्रोशिया करने के लिए हम एक चेन से इसको स्टार्ट करना शुरू करेंगे। और स्वेटर और कैप की तरह हमको क्रोशिया करना है, जैसे हमने कॉलर पर और स्वेटर पर किया था। हम हर बार एक स्टिच पीछे आएंगे और सिंगल चेन सिंगल क्रोशेट से क्रोशिया करते हुए हम क्रोशिया करेंगे। हर बार हमको एक चेन पीछे आना है, एक फंदा पीछे आएंगे। इसी तरह से क्रोशिया करते हुए हम अपना सारा क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको सीधा ही इसमें से निकाल देंगे। इसको हम सुई से अंदर कर देंगे, यहाँ से हम इसको काट देते हैं। अब हम इसकी यहाँ पर डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हम 18 इंच लंबे तीन धागे लेंगे। यहाँ पर हमने 20 इंच लंबा धागा लिया है, 18 इंच का धागा कम था। आप अपनी ऊन के अनुसार डबल धागा भी ले सकते हो। अब हम इसके यहाँ पर सिंपल चोटी बनाते चले जाएंगे, जैसे हमने कैप में बनाई थी। दूसरे शूज में भी हमने ऐसे ही डोरी बनाई है। बिल्कुल इसी तरह से डोरी बनाते हुए हम अपनी पूरी डोरी कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम ये डोरी बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर बनाएंगे। डोरी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हमको इसको जुराब में डालना है। डोरी का हमने एक साइड का मुंह इस तरफ किया है और एक का मुंह हम इस तरफ करेंगे। आप आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आगे से ये होता है बच्चे के पैर में फंस जाते हैं चलते समय। इस ओर के डोरी बच्चे के पैर में फंसती नहीं है और बच्चे के गिरने का डर नहीं रहता। हम यहाँ से पीछे की दो जाली से क्रोशिया निकालेंगे।
इसी तरह से डालते हुए करते हुए हम अपनी सारे के सारे जाली में से क्रोशिए को निकालेंगे, डोरी को निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ये सारे डोरी इसमें डाल लेते हैं। अब हम इसकी एक चीज़ मैंने बना ली है, एक और बनाएंगे। दो उंगली पर हम इसको 6 बार लपेटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से काट देंगे, यहाँ से भी काट देंगे और फिर हम इसको बांध देंगे। ये देखिए, ये हमने काट लिया है। अब हम इसको इसमें से निकालेंगे। इसको हम यहाँ पर बांध देंगे। यहाँ पर हम इसको दोनों को इकट्ठा रख कर काटेंगे। बूट हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको आपको शूज पहन कर दिखाती हूँ। दोनों शूज बनकर तैयार हैं। दोनों की शेप देखिए आप, कितनी सुंदर बनकर आई है। बिल्कुल एक जैसी शेप बनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डे की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डे की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।